वेलकम बैक टू स्टॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक की बात की जाए तो 19.60 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा अलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक, यानी कि देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके साथ रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है अलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक। आज की बात की जाए तो आज ओपन तो गैप अप से ऊपर हुआ था, जैसे ओपन हुआ वहीं पे रेजिस्टेंस लगा और वहीं से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। जैसे कि प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट करके रिसेंटली नीचे ट्रेडिंग करा है, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 9.68,000 करोड़ का है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ के नीचे फिर से गिरावट देखने को मिले मार्केट कैपिटल में, और रिसेंटली 9.68,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए अलोक इंडस्ट्री के वॉल्यूम भी देखा जाए तो वॉल्यूम भी देख सकते तकरीबन टोटल 8,92,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है अलोक इंडस्ट्री में आज के दिन में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 174 लाख का है। तो देखा जाए तो देख सकते कि बाइंग के लिए 8 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 4 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे, मीन्स बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं इस मंथ का जो मंथली प्यूट है 20.4 पे है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लगता हुआ नजर आ चुका था स्टार्टिंग में मंथ में, वैसे ही रजिस्ट्रेशन लेके गिरावट हो चुकी थी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 20 लेवल को ब्रेकआउट देते हैं नीचे चला गया था। तो रिसेंटली 20 लेवल को ब्रेकआउट है तो नीचे गिरावट होता है, तो देख सकते कि जो 52 वीक लो 18.85 यानी कि तकरीबन 19 लेवल तक आने के चांसेस दिखाई देंगे, जबकि 20 लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते कि 19 लेवल तक फिर से आ सकता है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक। जो है लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।